हेलो फ्रेंड्स, साहब सलाम एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? मैं हूं संविदा और आज वीकेंड है और हमारी सवारी आज फिर निकल गई है कहीं घूमने के लिए। तो हम लोग आए हैं एक केवंस देखने, जो कि जिसका नाम है हाउवी केवंस, राइट? अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ तो इट्स हाउवी केवंस है, जो भी हाउवी या हाउवीड्स, जो भी वट एवर स्पेलिंग दिखा देंगे हम लोग क्या है। वैसे HOWE है, राइट? तो ये हम लोग यहाँ आए हुए हैं। ऐसी इसकी पार्किंग लॉट है, गिट्टी वाली। हमारी गाड़ी पीछे खड़ी है और धूप अच्छी तेज है। बैग अलाउ नहीं अंदर, तो हमने अपना अपना जैकेट ले लिया है क्योंकि नीचे ठंडी होती है बहुत ज़्यादा। चलिए चलते हैं अंदर। सो वहाँ जो आप देख रहे हैं उधर पे मोटल है इन्हीं का, सामने पार्किंग लॉट है एंड वहाँ पे माइनिंग का आई थिंक म्यूज़ियम वगैरह है। तो अगर टाइम होगा तो हम जाएंगे। और ये है यहाँ का केवर्स का। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे टिकट ऑनलाइन बुक करनी पड़ती है, तो हमने जो टिकट बुक किया वो 4 बजे का है हमारा स्लॉट, और अभी 3:40 वालों को लेके जा रहे हैं अंदर। पार्थ सिंह यहाँ पे मस्त रेडी बैठे हैं। अंदर ठंडी हुई तो हम लोग अपना जैकेट ले आए हैं, तो हम लोग पहनेंगे फिर अंदर जाएंगे, क्योंकि अभी बाहर तो बहुत गर्मी है ना। सोनू सबको देख रहा अंदर जाते हुए कि हम कब जाएंगे। यहीं पर कैफे भी है। तो उस तरफ कैफे है, सोविनियर है, फिर यहाँ से एंट्रेंस है। और हम लोग यहाँ बैठ के, ये बेंच कुछ बने हुए हैं, इस टाइप से बेंच बने, हम लोग तो यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये है टेलीफोन बूथ, जो कि काम नहीं करा, पर आप ना फोटो खिंचवा सकते हो, जो कि मैंने खिंचवा लिया है। हाँ, तो यहाँ पे ये स्वीट शॉप है, उधर उसके कैफे का एंट्रेंस है एंड वॉशरूम है, मिस रेस्ट एरिया, वो हो गया गिफ्ट शॉप, और यहाँ से एंट्रेंस है कैफे का। गिफ्ट शॉप के अंदर क्या बेसिक ही चीज़ रहता है वैसे, हर जगह जो रहता है। ओ बुद्धा, तो यहाँ पे ये फ्रेश हनी मिल रही है, कितनी क्यूट बॉटल है यार। तो हमारा टाइम स्लॉट का अनाउंसमेंट हो गया, तो हम लोग चलते हैं। ये देखो भाई साहब, पार्थ सिंह स्वेटर पहन चुके हैं क्योंकि अंदर ठंडी है। ये मेरा और अपना पकड़े हुए, तो मैं भी पहन लेती हूँ अपना, मैं भी पहन लेती हूँ, ताकि रेडी रहेगा। तो कौन की चीज़ करेगा, पीछे वाले को देख रहे हैं पगला। पार्थ 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 देख ही नहीं रहे हैं। पार्थ हाय। वो हमारे स्लॉट की बारी आ गई, तो हम लोग आ चुके हैं अंदर। तो यहाँ पे पहले इंट्रोडक्शन देते हैं थोड़ा सा, केव कैसे इन्वेंट हुआ एंड वो ये सब। तो यहाँ पे थोड़ा इन्फॉर्मेशन हमें मिला, जो कि है कि यहाँ पे केव में 52 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है पूरे साल भर, इसलिए जब भी अंदर जाओ तो अपने साथ एक जैकेट कैरी करो। और ये अप्रॉक्स 1.25 माइल का पूरा वॉक होता है, जिसमें 0.25 माइल बोट राइड भी होता है, जिसको हमने इन्जॉय किया, क्लिप में दिखेगा आपको। तो चलिए चलते हैं अंदर और इन्जॉय करते हैं। अब हम लोग आ गए हैं अंदर, तो चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पे कैसा कैसा हमें व्यू दिखता है। तो नीचे पानी बह रहा है, पानी ने काट काट के पूरा अंदर से केव बनाया हुआ है। पार्थ राजा पापा के साथ चल रहा है, वो हमारे गाइड है। यहाँ अच्छी खासी ठंडी, क्योंकि बगल में इतने पानी है। हाँ लाइट है ना, और हम लोग हैं इसलिए पार्क नहीं जा रहा है। बहुत बर्फ का फॉर्मेशन है, बड़ा अच्छा लगता है देखने में। पूरे यहाँ पे एक यही फॉर्मेशन जिसको टच करना अलाउ था, तो सबने उसको टच करके देखा कि कैसा है। So this formation is active because it has a constant water source. It is going to continue to grow over the years.
And as it does so, it is from the iron in the rock, the yellow is sulfur, the green is moss, that's from the iron, and the gray and black are from magnesium. And since this is... अब हम लोग आ गए हैं बोट राइड के लिए जो कि होती है लेक ऑफ वीनस में। तो ये अप्रॉक्स 0.25 माइल की बोट राइड होती है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं हम लोग क्या हमें दिखता है यहाँ पे। बहुत अच्छा एंजॉय कर रहा अपना बोट राइड, खुश एकदम से। ये सी क्लैपिंग, यू आर हैविंग फन राइट पार्ट। तो ये है मैन मेड टनल जिसके अंदर से हम लोग जा रहे हैं बाहर की तरफ। ये रहे हमारे पार्थो राजा। ये स्वीट शॉप है। सो टूर डन हो गया, अब हम लोग जा रहे हैं अपने कार के पास। और ये रुक गए हैं, हमने फोटो खिंचाई तो फोटो कलेक्ट करने के लिए। पार्थ थोड़ा रोने लगा भूख से, तो चाहती है जिस कुछ खिला, कुछ क्या मैंने इसके लिए दलिया बना के लाई हूँ तो वो खिला देती इसको जल्दी से। तो कितना सुंदर सा व्यू है पूरा यहाँ पे, मस्त। ये हमारी गाड़ी पार्ट खाना खा चुके हैं, वो गंदे से खड़े हैं पापा, सॉरी पापा गोदी में है। दिखाओ चारा अपना, दिखाओ खाया हुआ चारा। तो हम लोग केबन से आ चुके हैं और हम लोग आ गए हैं डिनर करने के लिए। तो यहाँ पे पिज्जा शैक नाम से एक रेस्टोरेंट है, तो वहाँ आ गए हैं हम पिज्जा खाने के लिए। आई थिंक वी विल हैव सम पिज्जा एंड बर्गर और कुछ चार लेंगे, पता नहीं, देखते हैं। आई थिंक गार्लिक ब्रेड भी। और ये हमारे पार्ट सिंह है जो कि स्ट्रॉ से खेल रहे हैं। ठीक, तो हमने ले लिया है पेप्सी। यहाँ पे गार्लिक ब्रेड है जो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। और ये है सैंडविच, चिकन सैंडविच। एंड दिस इज़ वेज पिज्ज़ा जिसमें हमने लिया है मशरूम, पेपर एंड अनियन। ये हमारे पार्ट सिंह जो कि खा रहे हैं गार्लिक ब्रेड। लो बेटा, गुड जॉब। क्या हो गया, उदास क्यों हो? तो हम लोग घर पहुंच चुके हैं, बज चुके हैं 8:30। आरिफ सो चुका है क्योंकि उसको नींद आ रही थी, वो गाड़ी में भी सो चुका था, उसको लाके मैंने रूम में सुला दिया है। अब मैं भी ड्रेस चेंज कर रही हूँ जाके, मैं भी सोऊंगी क्योंकि लास्ट 2 नाइट से मेरी नींद थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है। तो अब इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कॉमेंट करें, सबके साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।